प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में मैं एसके सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, यह किरण लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहां से आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए लगातार क्लास ले रहे हैं। प्रतिदिन क्लास होती है और शाम के 6 बज चुके हैं, 6:10 हो गए हैं और हम लोग प्रतिदिन इस टाइम में जो है बात करते हैं। आज मैथ का टर्न है, आज लेक्चर 17 आपके साथ है। जो बच्चे नए आए हैं वो पीछे की वीडियो को जरूर फॉलो करें और एक बार पूरा सीरीज अच्छे से देख लें ताकि उनका मैथ और साइंस का पूरा सेक्शन अच्छे से तैयार हो जाए। मैं देख सकता हूं मेरे साथ हैं आरती कुमारी जी, स्वागत है बच्चे आपका। सरकारी जॉब रिपोर्टर जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। सभी आप सभी लोगों का मैं एसके सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं और हम लोग आज जो है मैथ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगर आपको मेरी आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो क्लास को आप बढ़ाने के लिए बोलिए, आप मैसेज टाइप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि सब ठीक आ रहा है, आवाज़ वगैरह ठीक है, तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 17 पर बात करने वाले हैं आज और यहाँ पर हमारी आपसे बात हो रही है और हम लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट 17 पर बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है ज्योमेट्री और बहुत प्यारा टॉपिक है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। आप देखें, पहले प्रश्न से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में, जिसे हम पढ़ते हैं त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3 भुजा है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता, विकर्ण शुरुआत होता है चतुर्भुज से। चतुर्भुज में जो है 2 विकर्ण होते हैं, पंचभुज आता है, खष्टभुज आता है। ऐसे मैं कहता हूं 100 भुजाओं का एक पॉलीगन है और इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी? हाँ बिल्कुल, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है, तो अब इसको क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। तो मैंने ये पूछा, मेरा प्रश्न ये है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं? अब देखो कैसे इसको बनाएंगे। अब इसका आंसर तो मुझे पता है, लेकिन पहले रुकिए, पहले हम समझाते हैं आपको। देखो एक चीज समझो, अगर मेरे पास n पॉइंट है, कितना n पॉइंट, तो इन n पॉइंट से मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? पर इस बात को समझो, n पॉइंट से कितने लाइन, लाइन का मतलब होता है रेखा, कितने लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका फार्मूला होता है NC2। क्वेश्चन पर बाद में बात करेंगे, पहले एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मेरे पास 5 पॉइंट है, आप कहते हैं मेरे पास 5 पॉइंट है, तो हमने कहा 5 पॉइंट है अगर आपके पास, तो 5 पॉइंट से आपके पास 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट से आप 5C2 लाइन खींच सकते हैं। 5 पॉइंट से आप लाइन खींच सकते हैं 5C2, और NC2 की वैल्यू भी तो जान चाहिए, n (n-1)/2 होता है। यह NC2 की वैल्यू होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के 2 टर्म लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। NC3 होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर के 3 टर्म लेते और फैक्टोरियल 3 यानी 6 से डिवाइड कर देते। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। तो यह फार्मूला होता है, ये लाइन का बेसिकली फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझना। तो मेरे पास अगर 5 पॉइंट है तो मैं कहूंगा देखो 5, ध्यान से समझना, 5×4 और बटे में क्या हो जाएगा 2, और इसको अगर मैं 2 से कटा दूं यहां पे 2 आ जाएगा, तो मुझे ये पता चल गया कि इसमें 10 आता है, यानी इससे मैं 10 लाइन खींच सकता हूं। अब जो आप 10 लाइन खींचेंगे, अब उसको जरा ऐसे समझो, 5 हमने रेंडमली पॉइंट लिया है और उससे हमने 10 लाइन खींचा, क्योंकि फार्मूला कहता है n(n-1)/2। लेकिन जब मैं इसको पॉलीगन बनाऊंगा तो 5 पॉइंट से बाहर की 5 साइडें तैयार हो जाएंगी। तो इसी के अगर नंबर ऑफ डायगोनल की बात होगी तो साइडों को छोड़ करके जितने भी बनती हैं लाइनें वह सब डायगोनल कहती हैं। इसीलिए डायगोनल का जो फार्मूला होता है, जैसे अब मैं आपसे पूछता कि पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे पंचभुज में कुल 10 लाइनें खींची जा सकती हैं, और पंचभुज अगर पेंटागन की बात होती तो 10 में से अगर हम 5 माइनस करते, यानी 5 हमारे पास क्या होता है, डायगोनल होता। मैं आपको करके दिखाता हूं, आप जरा इस क्वेश्चन का पहले आनंद लें। आप देखिए बच्चे कि मैं कहता हूं कि देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 और 5, ये मेरे पास एक पेंटागन है, इसमें 5 पॉइंट है। कौन से 5 पॉइंट है आप देख सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 और 5। इन 5 पॉइंट से मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जरा देखना। तो 5 तो यही हो गए जो इसकी सरफेस की है, और ये देखो 6ठी लाइन, ये देखो 7वीं लाइन, ये देखो 8वीं लाइन, ये देखो
नवी लाइन और ये देखो दसवीं लाइन। अगर मैं इनको ऐसे मिलाऊं सारे बिंदुओं को आपस में तो कुल 10 लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। 10 में से 5 तो उसको बाहर का क्या हो गया, पॉलीगन बनाने में लग गया। तो डायगोनल कितने हुए, तो हमने कहा कि डायगोनल निकालने के लिए टोटल 10 है। 10 में से मैं क्या करूंगा, इन 5 को मैं माइनस करूंगा जो बाहर बार वाली है, और 10 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो इसके डायगोनल यानी विकर्ण कितने हुए, 5। ये जो ब्लैक वाला अंदर देख रहे हैं इसको डायगोनल बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन है कि अगर 100 पॉइंट है तो 100 पॉइंट से हम कितने विकर्ण बना सकते हैं बच्चे, तो आप इस बात को ध्यान रखना। अब इन सारी चीजों को आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। आप देखना, आप कहेंगे पहले हम पता करेंगे लाइन, पहले क्या पता करेंगे लाइन, और लाइन क्या हो जाएगा 100 C2, और उसके बाद उसमें से क्या करना, आपने कहा उसके बाद हम इसमें काम कर सकते हैं क्या, उसमें से हम माइनस करेंगे जो है 100। क्यों 100, क्योंकि 100 जो हो जाएगा वह बाहर का वो हो जाएगा। तो अगर लाइन हम पता करेंगे इतना, लेकिन अगर हमें पता करना है डायगोनल, अगर हमें पता करना है इसका विकर्ण, तो आप कहेंगे एन सी टू में से मुझे क्या करना पड़ेगा 100 माइनस, और एन की वैल्यू यहां पर कितनी 100, तो 100 सी टू में से मुझे 100 माइनस करना पड़ेगा। अब 100 सी टू की वैल्यू होती कितनी है, तो 100 × 99 और बटे में 2, और 2 से अगर मैं कटा दूं 50, और 50 में अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ जाएगा 4950 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी, 4950, 50 में करके देखेंगे तो 4950, और इस 4950 में से हमें डायगोनल पता करना है तो हम इसमें से 100 माइनस कर देंगे जैसा कि हमने पेंटागन में किया था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4850। तो इसका आंसर बच्चे ये होगा, आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है, इसमें हमने लाइन भी बताया और डायगोनल भी बताया। दूसरी चीज आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, सेकेंड चीज, हाँ इसका 4 नहीं होगा, इसका 3 होगा, क्योंकि विकर्ण की संख्या पूछा। अगर ये पूछता कि 100 पॉइंट से हम कितनी लाइनें खींच सकते हैं, तब तो आपका जवाब सही था 100 × 99/2। तो आप इस बात को ध्यान रखना। दूसरा इसमें आप ये भी कर सकते हो, अगर आप देखें इसका डायगोनल का फॉर्मूला कैसे बनता है, हमने कहा एन सी टू यानी n × n-1/2, और इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है, n ही माइनस करना होता है। तो अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा n-1/2 - n। जरा इसको देखना सॉरी, तो मैं इसमें ये भी कह सकता हूं n बाहर है, यहां पर आ जाएगा n-1 और माइनस यहां पे हो जाएगा 2n और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और इसको मैं ये भी कह सकता हूं n, देखना n-2n है तो इसका मतलब ध्यान रखना है, यहां पर जब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास n-1, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा ना, n × n-1/2। तो इसमें से हमने n कॉमन ले लिया था, सॉरी n कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना। तो रुको मैं करके दिखाता हूँ आपको, अरे हाँ, तो यहाँ से जब आप n कॉमन ले लेते हैं, रुकिए अच्छे से मैं कर देता हूँ, यहां से जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से n, और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो n-1 - 2 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है n × n-3/2। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको अगर आप याद कर लें तो फिर आपको NC2 - N नहीं करना पड़ेगा। यानी डायगोनल का अगर आपको सीधा सीधा डायगोनल निकालना है और आप याद कर सकते हैं या आपको याद करने की क्षमता अच्छी है, तो आप सीधा लिखिए N × N-3/2। 100 साइड थी, देखो कैसे करते, फिर 100 साइड थी, N की वैल्यू 100, 100 - 3, 100 में से 3 माइनस करो 97, और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करके देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4850। तो अगर आपको फार्मूला ये वाला याद है ना, ये किसका फार्मूला है, ये है सीधा सीधा विकर्ण का फार्मूला। ठीक, तो अब समझ में आ गया, मैंने दोनों बातें यहां पर इस क्वेश्चन के साथ आपको दोनों बातें बता दी है। और हमारे साथ हैं अंकुल सरवाल जी, आपको राम राम। आरती कुमारी जी, आपको राम राम। संजय लवानिया जी, आपको गुड इवनिंग। सभी बच्चों को, सरकारी जॉब रिपोर्टर जी, आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और हम सब लोग जो है लाइव क्लास ले रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मैथ में जिनको दिक्कत है या मैथ में और आपको क्लास करनी है, तो प्रतिदिन मैं 3:30 से 5 बजे तक लाइव अवेलेबल रहता हूं तपस्या एकेडमी चैनल पर। वहां पर भी आप मैथ की क्लास को फॉलो करें प्रतिदिन, वहां से भी आप देख सकते हैं।
तो मैंने यहां पर बात कर रहा था 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, इसका हमने आंसर आपको बता दिया है। अब बच्चों हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, यह पहला प्रश्न कंप्लीट। फार्मूला क्या हुआ, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, इससे क्या निकलेगा लाइन, और विकर्ण के लिए एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू, इससे क्या निकलेगा डायगनल। चलो भाई, एक त्रिभुज का कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखो भाई मैं बता रहा हूं, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, 2x रेशियो भी है ना, दूसरा वाला 5x और तीसरा वाला है 82। देखो 82 कोई छोटा वाली बात नहीं है, 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और 180 में से एक 82 आ गया तो वो तो सबसे छोटा हो नहीं सकता, और 2:5 में जो 2x होगा वही छोटा होगा। लेकिन हम जानते हैं क्या कि इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को अगर हम सम कर दें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये t2 उधर भेज दो, तो आप देख सकते हैं 5 और 2 7, 7x की वैल्यू 98, जरा कटा दो 7 से, x की वैल्यू आ जाएगी 7 एकम 7, 7 चौक 8, x की वैल्यू 14 आ जाएगी, लेकिन आंसर 14 नहीं होगा, सबसे छोटे कोण की वैल्यू पूछा है, सबसे छोटा कोण कौन सा है बताओ, यहां पे देख के सबसे छोटा कोण ये होगा, कौन सा वाला होगा, 2x होगा, और 2x की वैल्यू 2, और x की वैल्यू आप देख सकते हैं x की वैल्यू है 14, तो 2 × 14 कितना हो जाएगा 28, 28। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे छोटा कोण होगा यह कितना होगा 28 डिग्री, आप इस बात को यहां से देख सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसका मैं तरीका बता देता हूं तुमको, रुको पढ़ते हुए चलते हैं, तब तसल्ली से, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना भाई है? हाँ, ऑप्शन ए नहीं, ये तो x की वैल्यू है, ऑप्शन होगा आपका थर्ड यानी सी। हाँ आरती आप सही बता रही हैं, संजय लवानिया थोड़ा प्रयास पुनः करें, दीपिन खत्री आपका स्वागत है, बच्चे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, मैं एसके सिंह लगातार आपके बीच में हूँ, और लगातार आप लोग दोपहर की क्लास में भी मौजूद रह रहे हैं 3:30 से 5 तक, और शाम वाली क्लास में भी, और जिन बच्चों को PDF नहीं मिल पा रहा है दोपहर की क्लास का, वो मेरे को व्हाट्सअप करके और ग्रुप में जुड़ जाएं, और वहां से मैं उनको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से उन तक व्हाट्सअप करके मैं पहुंचा दिया करूंगा PDF आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आपको क्या करना है, बस एक नंबर इस पे मैंने शुरू में दिया, उस पे मेरे को व्हाट्सएप छोड़ दीजिए और बोल दीजिए कि सर मेरे को PDF चाहिए, मैं PDF भेज दूंगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये सारा मामला हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नहीं, यहां पे मैं कुछ बताना चाहता था आपको, थोड़ा सा आप कुछ बता लेने दो। देखो एक चीज समझो, ये जो आकृतियां ना, ज्योमेट्री आकृति की बात करती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज, चार भुजाओं से आकृति जो घिरी है चतुर्भुज, पांच भुजाओं से जो आकृति घिरी है उसको बोलेंगे पंचभुज। अब एक बात समझना, इनके जो अंदर के कोण होते हैं, अंदर के जो कोण होते हैं, अंदर अंदर एंगल है कि नहीं, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, तो इन तीनों एंगल का जो सम होता है इस फार्मूले पे चलता है, एन माइनस टू इंटू 180, इस फार्मूले के आधार पर चलता है। हम इनके सभी कोणों का मान निकाल सकते हैं, हम इनके सभी कोणों का मान निकाल सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगता है, एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180। जैसे n की वैल्यू 3 रखो, 3 में से 2 माइनस करोगे 1, 1 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है 180। अब चलो चतुर्भुज पे, चतुर्भुज में सारी चीजें हैं, रेक्टेंगल है, आयत है ना, स्क्वायर है, वर्ग है, और जितने भी आपने चतुर्भुज पढ़े हैं, चाहे वह रोम्बस हो, चाहे वह ट्रेपेज़ियम हो, चाहे वह पैरेललोग्राम हो, कोई सा भी आप ले लो, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360। और देखते हैं अगर चार साइड होगा तो इस फार्मूले में देखो n माइनस टू, अगर n की वैल्यू 4 रखो तो 4 - 2 और इंटू 180, तो आप निकाल सकते हैं 2 × 180, तो इसका टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ऐसे हम करके इसका टोटल एंगल बता सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, चतुर्भुज में कितना हो जाएगा 360, पेंटागोन में ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। नाउ अगर यही चीज हमारी जो है, अगर यह हमारी जो चीज दी गई है, अगर यह रेगुलर है, रेगुलर का मतलब क्या हुआ, अगर भुजाएं समान हो, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे कि स्क्वायर,
आप ऐसे भी अगर रेगुलर शब्द यूज किया जाता है जहां पर समान भुजा की बात की, तो सारे एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे 180 है तो 180 को 3 से डिवाइड कर दो तो 60 आ जाएगा, 360 उसको 4 से डिवाइड कर दो तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो पॉलीगन्स हैं उनके एंगल को हम समझ सकते हैं। और बच्चों हम लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं और इस पर लगातार आपके बीच में मैं बात कर रहा हूं, तो चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये आपने देखा यहां पर, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूं और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ इस क्वेश्चन को बनाना। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयां नीचे दी गई हैं, किस स्थिति में त्रिभुज बनना संभव नहीं है। देखो त्रिभुज एक ही स्थिति में नहीं बनता है। अगर त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग ठीक तीसरी भुजा के बराबर या उससे छोटा हो गया तो कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता। इसका यह मतलब हुआ कि त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं हम ले लें, कोई सी भी 3 भुजा ले लीजिएगा, और आप इसको चेक कैसे करेंगे मैं बताता हूं। आपने 3 भुजा ए बी और सी ले ली, एनी टू साइड, यानी मान लीजिए हम ए प्लस बी लेते हैं, ए प्लस बी सदैव हमको बड़ा दिखना चाहिए, किससे बड़ा दिखना चाहिए, सी से। अगर ये कंडीशन होता है तभी त्रिभुज बन सकता है, नहीं तो त्रिभुज बनेगा नहीं। अब देखो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, और ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन में जब तुम ए और बी को सोचो ना, तो ए और बी को छोटा से छोटा इसमें ऑप्शन में से लेने का प्रयास करो। जैसे मैं लेता हूं, देखो पहले वाले में 10 और 12 22 हो गया ना, बचा चीज कितना है 15, इसमें छोटा छोटा लो। देखो 3 और 4 7.9 आ गया, इससे बड़ा हो गया। ये देखो 12 और 6 18 और ये बड़ा हो गया 17 से, हो गया ना। दो लो, दो छोटे छोटे लेके देखो कि तीसरे से बड़ा होता है कि नहीं होता है, बस एक बार में ही चेक हो जाएगा। अब ये देखो बचा कौन सा, 3 तो पास हो गए थे, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये तो कौन सा नहीं बन सकता, यही वाला, जरा करके देखते हैं। इन दोनों का सम करो, 2 और 4 6 पॉइंट कितना हो गया 7, इनका सम हो गया 6.7, जबकि ये बड़ा होना चाहिए किससे, 6.8 से। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ वाला केस है ना, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार से इसमें ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम सही आप बता रहे हैं बच्चे, और इस तरह से हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा। हमारे पास जवाब आ चुका है, संजय लवानी आपने बहुत सही जवाब दिया है, आरती कुमारी जी का हमारे पास जवाब आ चुका है, और सभी बच्चे लगातार आंसर आप लोग टाइप कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए, नीचे यदि निम्न वृत्त में केंद्र ओ का एंगल एओबी 90 डिग्री है तो एंगल एपीबी का मान ज्ञात करना है। फिगर थोड़ा धुंधला है, मैं इसको और धुंधला इसका भगाता हूं, देखना जरा। देखो ध्यान से, यह एक जीवा है, ये तुम एक सर्कल देख रहे हो राउंड एंड राउंड, यहां पर तुम देख सकते हो इस सर्कल के यहां पर सेंटर पर यह ओ एक पॉइंट है, इसका केंद्र है, और इस केंद्र पर यहां पर एक एंगल बना है। जो एंगल बना है बच्चे, उसका नाम मैं बता दूं, वह एंगल जो तुम यहां पर देख पा रहे हो, इस एंगल है 90 डिग्री का यह एंगल है। दूसरी बात यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसी चाप से, सेम चाप से हम इसके सर्कमफेरेंस पर एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल, और इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, इसी थीटा की जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। सिर्फ एक चीज ध्यान दो, इसमें एक ज्योमेट्री का सामान्य से नियम लगता है, और वह नियम ये होता है, क्या वह नियम ये होता है कि समान आधार पर अगर हमने बेस समान रखा है, सेम बेस से अगर हम सेंटर पर बनाएं या सर्कमफेरेंस पे बनाएं, एक ही साइड, इस बात को ध्यान रखना, सेम बेस पर हम क्या करें, सेंटर पर बनाएं या सर्कमफेरेंस पर बनाएं, तो सर्कमफेरेंस वाला सेंटर वाले का हमेशा आधा होगा, मतलब थीटा और 2 थीटा का संबंध होता है। अगर बाहर परिधि पर थीटा बनेगा तो सेंटर पर जो है उसका डबल बनेगा, यानी डबल कितना हो जाएगा, थीटा का डबल 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर यहां पर इस ए बी, यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर आप बी पॉइंट देख रहे होंगे, अगर इस ए बी पॉइंट से ही हमने यहां पर पी पॉइंट लेकर सर्कमफेरेंस बनाया है और इसी ए बी पॉइंट से हमने केंद्र पर बनाया है, तो ध्यान रखना अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें यह होगा थीटा अगर यहां पर है तो अंदर चीज क्या हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी, और 2 थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 90, और 2 थीटा अगर 90 है तो थीटा क्या होगा, बोलो तो थीटा क्या होगा, अगर 2 थीटा 90 है तो थीटा क्या होगा, सही बता रहे हो, थीटा होगा 45 डिग्री। हम बता सकते हैं इसमें तो कोई ऑप्शन होगा, ये सेकंड वाला, इसके आधार पर इस प्रश्न का जवाब तुम दे सकते हो। और अब चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्या आप यहां तक क्वेश्चन कर पाए हैं। श्याम सुंदर ने बताया है कि 45 डिग्री होगा, मैं मान गया, और संजय लवानिया, आरती कुमारी,
आप लोग भी संजय लवानिया 90 कैसे कर दोगे भाई, 90 तो सेंटर पे है तो बाहर आधा होता है, तो 90 का आधा 45 इधर से पकड़ लो। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को मैं तुमको समझाता हूं, तुम समझो और क्वेश्चन को जरा प्यार से देखो। देखो ये एक सर्कल है, ठीक, ये देखो राउंड एंड राउंड ये सर्कल दिखाई दे रहा है। यहां पर एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट से यह पी पॉइंट इसको काट देता है, और यह देखो ये वाला पॉइंट पी से हम यहां पर चलते हैं, यह ए बी पर इसको कट कर देता है, और यह सी डी पर इसको कट कर देता है। मैं सूत्र तुमको बता देता हूं और तुम इसका आंसर बताना। देखो इसका होता क्या है, इस पी पॉइंट से ए की दूरी पी ए, इस पी पॉइंट से बी की दूरी पी बी, और इसकी वैल्यू जानते हो पी पॉइंट से सी की दूरी पी सी, और पी पॉइंट से डी की दूरी पी डी। इस पी पॉइंट से इनके सर्कमफेरेंस पर जो दूरियां जो कटती हैं, जो इसके पार्ट होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में दोनों साइड का क्या होता है, बराबर होता है। अब हम चलेंगे वैल्यू की तरफ, हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू दी गई है और उसके आधार पर कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है एपी इक्वल टू 6, मैं कहता हूं एपी इक्वल टू 6 दे दिया, तो यहां पर रख दो 6। एबी, एबी मतलब यहां से यहां तक, एबी इक्वल टू 2, अरे ये 2 और यहां से यहां तक 6, तो पूरा कितना हो जाएगा पीबी, पीबी हो जाएगा 8 भाई, ये 6 ये 2 नहीं, हमें चाहिए पीए। एपी, एपी हमारा कितना दिया गया है, एपी हमारा दिया गया है 6, सॉरी बच्चों गलत बता दिए, रुको इसको मैं ठीक करता हूं, अच्छे से बना के आपको समझाता हूं। ये पूरा 6 दिया गया था, यहां से लेके यहां तक ये चीज 6 दी गई थी, और साथ के साथ एबी की वैल्यू 2 दी गई है। अगर पूरा 6 ये 2 है तो ये बचा कितना, 4 ही तो बचा, तो यहां पर 8 नहीं आएगा, ये गलती मत करिएगा नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किससे करेंगे, 4 से, पीए मल्टीप्लीकेशन पीबी दैट इज इक्वल टू पीसी मल्टीप्लीकेशन पीडी। हाँ, अब दूसरी साइड चलो, दूसरी साइड पीसी की वैल्यू दिया है 8 और पीडी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम पीडी की वैल्यू मान लेते हैं एक्स होगा, या पीडी की वैल्यू एक्स या पीडी कुछ भी मान लो। अब देखो किसको सॉल्व करके एक चीज देखना क्या होने वाला है, इस 4 से 8 दो बार में कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा 3, तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। यक्स क्या है, यक्स है पीडी, पीडी का मतलब मुझे यहां से यहां तक की दूरी ये पता चल गई कितनी है 3। कोई दिक्कत, सिंपल फार्मूले पे कैलकुलेशन किया हूं, मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ का सॉल्व किया, मेरे को 3 दिखाई दे गया, एक तरफ 6 इंटू 4 था 24 था, एक तरफ 8 यक्स था, 8 यक्स की वैल्यू 24, यक्स की वैल्यू 3। लेकिन एक्स है क्या, एक्स पी से बी की दूरी है, लेकिन पी भी नहीं पूछा है, ये जानना चाहता है सी डी की लंबाई, और सी डी कौन सी दूरी है, यह दूरी है, आप इस बात को देखना, सीडी क्या है, सीडी यहां से लेके यहां तक का है, सीडी क्या है, सीडी यहां से लेके यहां तक का है। मैं कहता हूं अगर ये सीडी है और पूरा कितना था, आपने कहा सर पूरा तो 8 है, कंप्लीट तो 8 है, हमने कहा नीचे नीचे वाला कितना निकाला, हमने कहा सर अभी इसको 3 निकाला, तो ये 3 निकाला और ये पूरा 8 है, तो यहां से ये वाला कितना होगा, पूरा 8 और ये 3 निकाल दिए हैं तो ये कितना होगा, यही तो पूछा है, तो 8 में से क्या करोगे 3 को माइनस कर दोगे, कितना आंसर आएगा तुम्हारा, बोलो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5, कितना जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो थर्ड ऑप्शन है 5, और इस तरह से हम इस प्रश्न को बता देंगे। ये बच्चों हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। कीर्ति वर्मा नमस्कार, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों लगातार मेहनत करिए और सिलेक्शन को प्राप्त करें, बहुत सारी शुभकामनाएं। संजय लवानिया जो है, आरती कुमारी आप लोग 4 सेंटीमीटर कौन सा आंसर बता रहे हैं, हाँ आरती कुमारी जी 5 सेंटीमीटर, सरेंद्र प्रजापति 5 सेंटीमीटर, कीर्ति वर्मा 5 सेंटीमीटर, लगातार देखिए मेरे पास आंसर की बौछार लगी हुई है और आप सभी बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं। श्याम सुंदर लगातार आप आंसर दे रहे हैं। सरेंद्र प्रजापति गुड इवनिंग आपको बच्चे, बहुत स्वागत है आपका। और सभी बच्चों का मैं एसके सिंह जो है किरण लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। शाम की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक पंचभुज में कितने आंतरिक कोण होते हैं। अब इस प्रश्न का जवाब तुम बता सकते हो क्योंकि आज ही इसी क्लास में मैंने तुमको ये टेक्निक बताई थी। एक पंचभुज में कितने आंतरिक कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बताओ, त्रिभुज में होते हैं 3, चतुर्भुज में कितने होते हैं 4, पंचभुज में कितने होंगे 5, खष्टभुज में कितने होंगे 6, हेप्टागोन सप्तभुज में कितने होंगे 7, ऐसे ऑक्टागोन नोनागोन डेकागोन
जितनी भुजा उतने कोण, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, इसको तो कोई बता सकता था। और इसका प्रश्न का सही जवाब यही है कि एक पंचभुज में जब तुम पांच भुजाओं से घिरी कोई आकृति बनाओगे, कैसा भी टेढ़ा टूढ़ा बना के देख लो, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल और पांच एंगल, तो इसमें कितने बताओ एंगल होंगे, कितने आंतरिक कोण होंगे, बोलो कितने आंतरिक कोण होंगे, पांच आंतरिक कोण होंगे, इंटरनल एंगल। एकदम सही जवाब, देखिए एकदम पांच की बौछार लग गई है, लगातार आप जो है सही बता रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो भी आप बना पा रहे हैं इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं, आप प्रयास बढ़िया से करते रहिए, और कहीं कोई दिक्कत है तो उसको सीख लीजिए, वह अगली बार गलती नहीं होना चाहिए। श्याम सुंदर जी और बच्चे एकदम संजय लवानिया जी, आप लोग लगातार आंसर दे रहे हैं, कीर्ति वर्मा, शैलेंद्र प्रजापति, आरती कुमारी, श्याम सुंदर और सभी बच्चों का लगातार स्वागत है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। x का मान ज्ञात करना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आओ x का मान देखते हैं क्या है x का मान। फिगर को मैं ठीक कर देता हूं, फिगर की टेंशन मत लेना, और आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर आपके सामने इस फिगर को मैं थोड़ा सा अच्छा से करने वाला हूं। आप देखिए एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है, लेकिन एक चीज देखो, यह एंगल दिया है 98 डिग्री, यह एंगल दिया है एक्स माइनस 10 डिग्री, यह एंगल दिया है 20 डिग्री, ओके, और यह एंगल दिया है x प्लस 12 डिग्री। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहली बात, यह क्रॉस लाइन नहीं होगी, देखो यह लाइन कुछ ऐसी होगी, ये ऊपर की लाइन ऐसे होगी और नीचे की लाइन हो सकता है कि थोड़ा ऐसी हो, ये देख रहे हो ऐसी लाइन हो सकती है, क्योंकि अगर हम दो लाइन को कटाते हैं ना तो अपोजिट वर्टिकल क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन इससे भी कोई मतलब है नहीं। आपने चारों पॉइंट का एंगल हमको दे दिया ना, कौन सा एंगल दिया आपने, आपने कहा कि ये वाला 98, ये x माइनस 10, ये 20, ये x प्लस 12। अब आप क्या जानना चाहते हो, x का मान जानना चाहते हो ना, एक पॉइंट पर कितना एंगल बनता है, एक पॉइंट पर एंगल बनता है 360। देखो एक पॉइंट पर, इस पॉइंट का मतलब जानते हो ये पूरा एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है 360 डिग्री। जहां मैं खड़ा हूं, देखो पॉइंट क्या है, जहां मैं खड़ा हूं यहां से मैं घूम सकता हूं, कितना घूम सकता हूं, इस यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो मैं घूम सकता हूं 360 डिग्री घूम सकता हूं, मेरा रोटेशन कंप्लीट एक राउंड होगा और एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल का मतलब कितना होता है 360। तो मैं ये कहता हूं कि ये पूरा कितना है 360 है, अब मैं इसको जोड़ता हूं, तो देखो मैं एक काम कर सकता हूं कि एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये प्लस का 12, ये माइनस का 10, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, देखो इस बात को समझना, यहाँ प्लस 12 है और यहाँ माइनस 10 है तो प्लस 2 ही तो बचा, और ये 20 है और ये 98 है, इस 98 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 98 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20, और इन सबको जोड़ के कितना मिलना चाहिए मुझे 360, यही होगा ना, चारों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 360। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो देखो ये 100 हो गया और 120 दूसरी तरफ भेज दोगे तो यह आ जाएगा 240 किसकी वैल्यू आ गई, 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 120। तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो x आएगा दैट्स द वैल्यू कितना आ जाएगा 120, और इसके लिए तुम्हारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा थर्ड वाला, ये देखो यहां से तुम इस आंसर को फॉलो कर लेना, तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर चारों पॉइंट दिया गया था, चारों का सम 360, सो इस करके हम लोग आंसर को बना लेंगे। और हाँ तो इस बात को आप देख सकते हैं, हाँ शीर्षाभिमुख वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है बच्चे, यहां पर चारों एंगल बारी बारी से दिया गया है, हमने सबको ऐड कर दिया, और सबको जब हम ऐड करते हैं तो वहां से हम बता सकते हैं इसका सम जो है 360 है एकदम। तो इस तरह से x की वैल्यू बतानी थी, हमने x कैलकुलेट कर लिया है, 2x = 240, तो x = 120, करेक्ट। हमारे पास लगातार आपसे बच्चों का आंसर आ रहा है, आरती कुमारी, कीर्ति वर्मा, शैलेंद्र प्रजापति और सभी बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं, संजय लवानिया हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर जी हैं और लगातार अन्य बच्चे जो है इस प्रश्न का आंसर बारी बारी देने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताने का छोटा सा प्रयास करता हूं, आप इसको देखिए। देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और इस एंगल का अभी रिश्ता बता रहा था, ये है सेंटर, यहां पर ओ लिखा गया है सेंटर, ये है सेंटर और ये है कहां पे सरकमफेरेंस। आप इस फिगर को देखो, पहले फिगर बनाता हूं, एक निश्चित पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां, इसी दोनों पॉइंट से हमने यहां भी एंगल बनाया और इसी दोनों पॉइंट से हम यहां पर, चाहे मैं इस लाइन को खींचू चाहे नहीं खींचू। देखो केस क्या होता है, जब आप रूल पढ़ते, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि समान जीवा से समान कार्ड से सेंटर पर और सरकमफेरेंस पर। तो मैं कहता हूं कि आप
जीवा नहीं भी दिए हैं, दो पॉइंट ही तो ले रहे हैं, तो इन दो पॉइंट से आपको क्या करना है, यहां पर सेंटर मिलाना है, और इन्हीं दोनों पॉइंट से कहां मिलाना है, सरकमफेरेंस पे। इनमें जो रिश्ता होता है, रिश्ता कैसा होता है, ये वाली चीज ना हमेशा कितनी होती है, दो गुना होती है, और ये वाली जो चीज होती है बाहर वाली चीज क्या होती है, हमेशा एक गुना होती है। तो अगर ये वाली चीज अगर 40 होगा, समझो इसकी वैल्यू कितना दिया है 40, अगर ये 40 है, एक गुना की वैल्यू 40 है, तो क्या दो गुना की वैल्यू नहीं बता सकते हो, बोलो कितना हो जाएगा। एकदम सही जवाब, इसका आंसर आएगा 80। और मुझे लगता है कि यहां पर तुम देख सकते हो तुम्हारा जो पहला वाला ऑप्शन है वही तुम्हारा आंसर है, और इसका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, 8 और 0, 80 डिग्री। समझ में आ गया, हमेशा जो होता है केंद्र पर वह डबल होता है, इस करके हम आंसर बता सकते हैं। हाँ देखिए हमारे पास आंसर आना शुरू हो गया है, और आपने पहले ही इसका आंसर बता दिया, बहुत अच्छे, गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्यारे बच्चों हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और हम लोग एक एक करके अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। प्रैक्टिस संख्या 17 चल रही है, प्रतिदिन क्लास का आप लोगों को आनंद मिल रहा है, आप सभी का फीडबैक लगातार मुझे मिल रहा है, और टेक्टीट्यूड आपका स्वागत है, आरती कुमारी आपका स्वागत है, सुरेंद्र प्रजापति आपका स्वागत है, कीर्ति वर्मा आपका स्वागत है, संजय लवानिया आपका स्वागत है, जितने बच्चे लगातार सुन रहे हैं देख रहे हैं मेहनती बच्चे हैं, और आपका रिजल्ट जरूर होगा, मैं बता रहा हूँ, जो पंचुअल रहा है जो रेगुलर पढ़ता है उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो प्रतिदिन पंचुअल रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई वीडियो मिस हो जाती है तो उसको क्लास के बाद जरूर देख लें, क्योंकि चैनल पर कोई दिक्कत नहीं है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पीछे की वीडियो को जरूर देखें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो मेरे को व्हाट्सअप जरूर करके मैसेज करें ताकि मैं उन तक पीडीएफ पहुँचा सकूँ। तो आप मेरे 9999 5657 नंबर पर आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जाके आप सर्च करके वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आप लगातार फॉलो कर सकते हैं, और ठीक है। तो फेवरेट टॉपिक को चलिए पढ़ते हैं बच्चे। यह कोई कोण, यदि कोई कोण अपने कोटिपूरक कोण का दोगुना हो तो उस कोण का मान डिग्री में बताइए, ये तो आप बता ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि कोई कोण अपने कोटिपूरक कोण का दोगुना हो तो उस कोण का मान डिग्री में बताइए, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको अब तक दे देना चाहिए। और चलिए बच्चे आप देखिए जरा इसको बनाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं एक एंगल को थीटा मानूं तो दूसरा एंगल इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा डबल कर रहा है, ले भाई 2 थीटा। और यह कैसे है, कोटिपूरक है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, उन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो आपने यहां पर देखा कि 3 थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। आप आंसर पर मत भागिए, पहले देखो, यदि कोई कोण अपने कोटिपूरक कोण का दोगुना है, यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में इस 2 थीटा के बारे में बात करें, ये 2 थीटा, थीटा का कंप्लीमेंट्री 2 थीटा, और 2 थीटा का कंप्लीमेंट्री थीटा, तो कह रहा है कोई जो है कोण वो दोगुना है, तो दोगुना है तो उसका मान बताओ, तो हमने थीटा अगर निकाला है 30, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 into 30, एंड दैट इज इक्वल टू, और इसका आंसर हो जाएगा 60। और जानते हैं अगर मुझे इस ऑप्शन को सेट करना होता तो मैं तो, ये तो एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने उसको उठाया है, तो मैं एक ऑप्शन ना जरूर यहां से 48 वगैरह ना देके मैं यहां पे 30 लिखता, ताकि आप जब यहां पे 30 निकालें और तुरंत गलती करके निकल जाएं, यही तो बारीक बात है, क्योंकि दोगुना वाले का पूछा है कि आप दोगुना है उसका मान ज्ञात करें, तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा। लेकिन बट आप देखेंगे यहां पर थीटा 30 आ रहा है, फिर आपका दिमाग घूमेगा, अरे ऑप्शन में 30 है नहीं, फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने जाओगे, फिर देखोगे कि हाँ यहां पर तो वो कह रहा है कि मैं दोगुना हूं उसका, तो मैं कितना हूं, तो मैं 30 का डबल 60 हूं। कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वह सम ऑफ 2 90, और सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ 2 180। यस, तो ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 9। लगातार आप आंसर दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं आप सभी बच्चे लगातार बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग अब चले गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसके फिगर को मैं अच्छे से बनाता हूं तब हम आगे बढ़ते हैं। एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप देखिएगा जरा, मैं फिगर को बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और आइए इस पर मैं बात करता हूं। बच्चे आप देखिएगा कि यहां पर कुछ एंगल हमारे सामने है, आप यहां पर देखिए, ये वाला जो एंगल है यह 114 है, और ये वाला जो एंगल है यह है 136। अब आपको दिखाई देने लगेगा, और ये वाला एंगल है x, इसी के बारे में पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक, अब दिखा रहा होगा फिगर। मैं कहता हूं कि ऐसे केस में ना बस कुछ मत करो, एकदम सिंपल सी एक बात समझो, स्ट्रेट लाइन को याद रखो, सरल रेखा, सरल रेखा पर एंगल होता कितना है मैं बताता हूं। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं ना, तो इस पर जो एंगल होता है ना
180 होता है। अगर मान लो 180 में से मैं कहता हूं कि अगर इधर 100 है ना, तो आप तुरंत क्या कहते हैं, इधर बचा हुआ कितना 80, ऐसे तो आप तुरंत बता सकते हैं ना, वही काम करना है। मैं कहता हूं जब मेरे सामने क्वेश्चन आता है ना, देखो मैं करता क्या हूं, हमने इस चीज को एकदम ऐसे बढ़ा दिया, क्या किया, एकदम ऐसे, इसको एकदम ऐसे बढ़ाते चले गए। इससे जरा ध्यान से देखना एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्यू पॉइंट है या आर पॉइंट है, और मान लेता हूं कि यहां पर पी हो गया, एस हो गया, यहां पर टी पॉइंट है। मैं एक चीज कहता हूं कि या पी क्यू और यहां पर आर एस टी, मैं यहां पर यू पॉइंट ले लेता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि जरा इस चीज को देखो ध्यान से, ये जो चीज, ये ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल को देखो बस, इससे तुम्हारा मामला हो जाएगा सेट। ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ट्राइंगल का जब देखोगे ना तुम, तो ये कहोगे ये वाला तो यक्स है, अगर मुझे ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अब जरा ध्यान समझना, जैसे ही ये क्वेश्चन में ये कहा गया कि यह इधर वाला चीज 114 है, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। कैसे बताऊंगा, क्योंकि अगर पूरा 180 है तो 180 में से मैं क्या करूंगा, 114, 110 को माइनस करता हूं, 70, 70 में से 4 माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास ये आ जाता है 66। मैंने पता कर लिया कि ये वाली चीज जो है मेरे पास 66 डिग्री है। लेकिन तुम सोचोगे फिर इधर वाला कैसे पता करेंगे, रुको बिल्कुल घबराना मत। अब जरा इस चीज को समझो, अगर पैरेलल लाइन होती है ना, पैरेलल लाइन पे अगर यह एंगल और इस एंगल की बात करें, दोनों सेम होते हैं, तो अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दिया गया है, ये देखो पी क्यू एंड आर एस जो है वो पैरेलल दिए गए हैं, दैट्स मीन कि ये कंफर्म हो गया कि ये वाली चीज जो इधर वाली 136 है, तो अगर 180 में से यह चीज 136 है, तो मैं अंदर जाके अंदर वाला बता सकता हूं, तो मैं यहां वाला जो ऊपर वाला कोण अंदर से पता करूंगा, तो मैं कहूंगा चलो इसको माइनस कर देता हूं, 140 माइनस करता हूं 44, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल कितना है 44 डिग्री। ऐसे करके के मैंने इसको पता कर लिया कि 166 है, 144 है, और ये वाला जो x है, इन तीनों का सम होता है 180। तो जब मैं इसको बनाऊंगा ना, तो मुझे ये तीनों चीजें दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ गई बात, अब कुछ नहीं था, अब इसको तुम बना लो आराम से। आप कहो 66 जमा में 44 जमा में x, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो आप इसको जोड़ेंगे 60 40 110 110 जमा में x इक्वल टू 180 है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऐसे करके मैं x की वैल्यू को बता सकता हूं, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इसमें देखेंगे कि 114 122 136 ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर आया है 70 डिग्री, तो आप नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। सही जवाब 70 डिग्री, एकदम सही जवाब है, नहीं 110 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 70 सही जवाब है। आप देख लीजिए, अब तो मैंने बना भी दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था बच्चों, आप सभी बच्चों का मैं एसके सिंह लगातार किरण लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और हमारे सामने आज हम लोग ज्योमेट्री पर बात कर रहे हैं, और ये एंगल्स वाले सारे एंगल आपके सामने आ चुके हैं, और आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, और मैं एक एक करके इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और आप इसको जरा ध्यान से देखिए और मैं इसको बताता हूं। यह एंगल यहां पर दिया गया है, ये वाला एंगल जो दिया गया है वह एक्स डिग्री दिया गया है, यह जो एंगल दिया गया है यह दिया गया है 2x माइनस 20 डिग्री दिया गया है, और ये वाला एंगल इसको मैं देख लेता हूं, क्योंकि दोनों इसमें 2x माइनस 20 नहीं होने चाहिए, एक बार मैं चेक करके वापस आपको बताता हूं, थोड़ा सा होल्ड करिए। लगातार हम लोग जो है आज ज्योमेट्री पर बात कर रहे हैं, और हमारे साथ आप सब बच्चे एक एक प्रश्न पर बता रहे हैं, और इसका जवाब हम अभी आपको बताने वाले हैं, और एक एक प्रश्न पर बड़े तसल्ली से बात करते हुए और चीज़ों को समझते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसका भी आंसर, ये दोनों एंगल आपस में सेम ही दिया गया है, इसका मतलब ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि यह भी 2x माइनस क्या है, BC है। तो मैं कहता हूँ कि जब मुझे त्रिभुज के तीनों एंगल पता चल गए, तो किस बात की देरी है, वेट किस चीज़ का है। सम ऑफ तीनों का सम करेंगे कितना आएगा, 180, सम कर लो, और सम करके क्या पूछा गया, x का मान, तो जोड़ लेते हैं बच्चों। देखो x, इन तीनों को जोड़ो, यहाँ पर 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x, यानी कितना हो गया 5x, और 5x माइनस माइनस 20 और माइनस 20 माइनस 40, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, तो मैं एक चीज़ देखूंगा 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मुझे 5x की अपनी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी 220, और यहीं से मैं पता करूंगा x की वैल्यू कितना 44। अगर x की वैल्यू मेरे को 44 पता चल गई, तो क्या पूछा है।
तो पूछा यही है कि x का मान कितना है, और x का मान तुमको अब ऑप्शन मिल जाएगा, आप जाके देखो ऑप्शन थर्ड को ध्यान से देखो, और ऑप्शन थर्ड की वैल्यू आप देख सकते हैं 44 है, यही पूछा है x का मान कितना है। तो बड़े सिंपल से प्रश्न थे, सम ऑफ इन तीनों के एंगल का सम आप देख सकते हैं, इन तीनों के सम का जो है वैल्यू होता 180, और ऐसे करके हम इस आंसर को बता सकते थे। तो सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हम लोग लगातार ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, बड़े सामान्य से प्रश्न पर बात हो रही है, लेकिन अब यह प्रश्न सामान्य नहीं रहा। यदि एक बहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो यह सिद्ध करना है कि अष्टभुज है, खष्टभुज है, पंचभुज है, चतुर्भुज है, यह कौन सा है? क्या यह जो है पंचभुज है, क्या यह चतुर्भुज है, क्या यह क्या है, यह यही हमें पता करना है। और आइए इस पर हम लोग पता करते हैं और इस पर हम लोग ध्यान रखते हैं, तो इस बात को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों आप इस बात को ध्यान रखिए, यदि एक बहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है, यदि एक बहुभुज का एक आंतरिक कोण, यदि एक बहुभुज का एक आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो कैसे पता करोगे? अब मैं इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना और बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है। मैं कहता हूं कि आंतरिक कोण निकालते कैसे हैं? आपने कहा सर अगर साइड एन है, अगर साइड एन है तो अभी आपने बताया था कि आंतरिक कोण का फार्मूला होता है एन माइनस टू और इंटू 180। तो हम क्या कर सकते हैं, n माइनस टू इंटू 180 करके हम उसके सारे एंगल को निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया यदि एक बहुभुज का, यदि एक बहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो इसका मतलब समझिएगा 108 डिग्री अगर आंतरिक कोण है तो यह पर्टिकुलर एक कोण की बात की जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर अगर हम इसमें से एक कोण निकालना है तो हमें n से भाग देना चाहिए, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलनी चाहिए, 108 डिग्री। जरा इस बात को समझ लेना। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं, जैसे चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज का अगर मैं एंगल पूछता हूं, आप कहते हैं 360 है, तो अगर सारा 360 है तो एक एंगल कितना होता है, तो आप 360 को 4 से भाग देते हैं। ऐसे अगर n साइड से हम इस चीज को बनाएंगे तो हमें एक एंगल के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, n से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चूंकि ये फार्मूला तो हमने पढ़ा ही था n माइनस टू इंटू 180, अब इसको हमें सॉल्व करके इस क्वेश्चन को निकालना है। थोड़ा सा छोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं कि 9 से कट जाएगा, 9 दुना के 18 20 बार में कट जाएगा, 9 से कटाइए, 9 एक कम 9 और 9 दुना के 18 12 बार में कट जाएगा। और मैं कटाना चाहता हूं कि आप इसको और कटा सकते हैं, मुझे लग रहा है कट जाएगा, 4 से कटा दीजिए, 4 5 20 और 4 से कट जाएगा 4 3 12। अब नहीं कटेगा, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चे तो क्या मिलेगा तुमको, एक तरफ मिलेगा 5n - 10 और दूसरी तरफ ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3n। मैं इसको इधर और उसको उधर भेजता हूं तो मुझे एक चीज मिल जाएगा, देखना 5n, ध्यान से देखना 5n इधर आके हो जाएगा -3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब मुझे 2n की वैल्यू पता चल गई, 2n की वैल्यू हो गई 10, 2n की वैल्यू 10। तो क्या बता सकते हो, 2n की वैल्यू 10 है तो हम बता सकते हैं अगर 2n इक्वल टू 10 तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और हमें n ही पता करना था। इसका मतलब जिस बहुभुज की बात की जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचभुज। ये बात समझो, बड़े ध्यान से देखो, इस बात को समझना। जैसे देखो यहां पर रेगुलर की बात की गई है, जैसे आप समझिएगा अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं, देखो त्रिभुज का एंगल कितना होता है, त्रिभुज का एंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 60 होता है, आप स्क्वायर पे चले जाइए रेगुलर है तो उसका एंगल कितना होता है, 90 होता है। ऐसे अगर हम रेगुलर पेंटागन बनाते हैं तो उसका एंगल कितना होता है, 108। ऐसे ऐसे करके इसका एंगल बढ़ता चला जाएगा। यह हमारे प्रश्न का जवाब था। मैंने आपको बड़े अच्छे समझाया कि यह टोटल एंगल है, इसको हम एन से डिवाइड करेंगे तो हम इसके एक एंगल पर पहुंच जाएंगे। इसके एक कोण की बात यहां पर की गई थी, 108 डिग्री दिया गया था, हमने इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाया, इसकी वैल्यू 5 आएगी। हाँ सही बताया है, इसका जवाब पंचभुज होगा। एकदम बहुत सिंपल तरीका है और ये सब याद रहता है भाई। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि याद रहता है कि हमें जो है याद रखना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा तरीका होता है। जैसे आप देखो अगर मैं इसको बाय ऑप्शन अगर करना चाहूँ, मैं कहता हूँ अगर n की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ तो n की वैल्यू 5 रखूंगा तो n फार्मूला क्या होता है, n into n minus 2 into क्या होता है, 180 होता है, यही होता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं अगर n की वैल्यू 5 होगी तो यहां पर जो मेरे पास एंगल आएगा 5 into 3 into 180 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि जब हम इसके एक एंगल की बात करते हैं यही फार्मूला होता है, n into n अपान में 2 भी होता है, अपान में यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस 2 से यहां पर कट जाएगा और इसको हम यहां पर निकाल सकते हैं
ये 90 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं n इंटू एन माइनस टू, नहीं n इंटू एन माइनस टू नहीं होता है, सॉरी इसका फार्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180। और अगर हम n की वैल्यू मान लीजिए यहां पर रखते हैं 5, तो 5 में से अगर मान लीजिए मैं 2 माइनस करता हूं इंटू 180 करता हूं, तो इसका आंसर आ जाता है बच्चे कितना, 3 × 180 आ गया। 3 × 180 टोटल है, लेकिन अगर एक एंगल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से भाग देना पड़ेगा। अब 5 से इसको कटाऊंगा ये 2 आ जाएगा, 18 × 6 आ जाएगा, 18 × 6 18 × 5 = 90, 18 × 6 = कितना होता है 108। तो आप इसमें क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसका सही जवाब है, आपने सही बताया है और ये आपके समझ में आ गया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा प्यारा प्रश्न। अभी तक हमने संपूरक कोण की बात नहीं की थी, अब हम लोग बात करेंगे संपूरक कोण की। अभी तक हमने कंप्लीमेंट्री एंगल की बात की थी, अब हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल की बात। आप देख सकते हैं कि यहां पर दो एंगल है और दोनों में से बड़ा कोण जो इसको ज्ञात करना है। आइए इस बात को पहले देखते हैं कि अगर ये दोनों कोण संपूरक हैं तो इनका दोनों का सम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए इन दोनों का सम, इन दोनों का सम होना चाहिए अगर ये संपूरक हैं तो इसका सम होना चाहिए 180, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करके देखो, अगर मैं जोड़ता हूं इनको तो मुझे क्या मिलता है, 3x और x 4x, और ये माइनस का 38 और ये प्लस का 38 और माइनस का 58, तो माइनस का 20 एंड दैट इज इक्वल टू कितना मिलता है मेरे को 180। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, बस इस बात को ध्यान रखना, ये जो माइनस 20 इधर चला जाएगा तो मुझे 4x की वैल्यू मिल जाएगी 200, और 4x की वैल्यू 200 तो इससे मुझे x की वैल्यू पता चल गई, x कितना आ गया 50। पहले तो ये समझ लो तुम, संपूरक कोण में क्या होता है, संपूरक कोण में दोनों का सम, दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। और अगर 180 होता है तो हम क्या करेंगे, हमने जोड़ा, जोड़ के हमने देखा 180 किया, x की वैल्यू आ गई, x 50 आ गया, लेकिन आंसर नहीं आया अभी। फिर क्या है, ये पूछा गया इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब बड़ा पता कर लो, देखो अगर ये 50 है और 50 में अगर मैं 38 जोड़ दूं, 50 में अगर मैं 38 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 88 आ गया, टोटल 180 होता है, बचा कितना 92। तो बताओ 88 बड़ा होगा कि 92 बड़ा होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हम बता सकते हैं इसमें जो बड़ा वाला एंगल होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन को ना आप ऐसे ब्रेन में भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं जब यह 50 है तो मैं x प्लस 38 की बात करता हूं, और x प्लस 38 x की वैल्यू 50 और प्लस 38 अगर मैं करता हूं तो इसकी वैल्यू 88 आता है। इस बात को ध्यान रखना, 88 90 से कम है। अगर दोनों बराबर होते तो 90-90 होते, 90 से जितना कम होगा अगला बंदा 90 से उतना ही ज्यादा जाएगा, 90 से दो कम है यानी बची हुई चीज क्या हो जाएगी, 92 हो जाएगी, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। और नहीं तो फिर क्या करोगे, यह 88 आ गया, फिर तुम दूसरे में वैल्यू पुट करते, तुम कहते 3x का मतलब 150, और 150 में से मैं 58 को माइनस करूंगा एंड दैट इज इक्वल टू, तब मैं लिखूंगा 92। तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करना चाहते हो कर लो। बट इस तरह से आपसे पूछा गया था इसमें बड़ा कोण कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि 92 इसका बड़ा कोण है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कुल 13 प्रश्न पर बात कर ली है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम लोग लगातार एक एक प्रश्नों पर ठीक से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारी ज्योमेट्री की क्लास चल रही है, यह क्लास NTPC ग्रुप डी के लिए है, और मैं एसके सिंह आप सभी के बीच लगातार हूं। और जो बच्चे भी नए आ रहे हैं, मैं उनको बोल दूं आप लगातार व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके PDF वगैरह या और भी कोई जानकारी लगातार आपको लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, जो भी चीजें हैं, सब चीज का लिए स्वागत है। नंबर जो है शुरू में दिया गया है, एक क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये प्रश्न का जवाब दो, सबसे बड़ी जीवा, आओ बताता हूं, सबसे बड़ी जीवा, जीवा का मतलब कार्ड। अब जरा देखना बच्चे, यही पूछा गया सबसे बड़ी जीवा, मैं यहां पर देखो, मैं यहां पर थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, हाँ अब ठीक है, मैं यहां पर आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, ठीक, और एक जीवा बनाता हूं। जीवा क्या होता है, कार्ड होता है क्या, बेसिकली कार्ड होता है यहां से एक ऐसी चीज जो इसको काट दे। देखो इसकी लंबाई को देखो, इसकी लंबाई को देखो, इसकी लंबाई को देखो, इसकी लंबाई को देखो, फिर देखो इसकी लंबाई को देखो, फिर इसकी लंबाई को देखो, फिर इसकी लंबाई को देखो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं जीवा छोटी होती जाती है, जैसे जैसे आप सेंटर के पास आएंगे जीवा बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा देखो ये वाली होगी ना, और जानते हो कहां से गुजरती है, यह इसके सेंटर से गुजरती है, और जो चीज सेंटर से गुजरे उसको क्या बोलते हैं, यह ए पॉइंट, यह बी पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, क्या बोलते हैं, डायमीटर।
व्यास, रेडियस का डबल। तो सबसे बड़ी जीवा आप बता सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा व्यास, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा व्यास। बट इसका आंसर जब तुम दोगे ना तो देखना बी है, बी ऑप्शन किस में, हाँ सेकंड में ही है, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 3-4 हैं, इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक बात देखो बच्चों, हम एक राइट एंगल बनाते हैं, हैं? अब इसकी यह भुजा है 3, यह भुजा है 4, और यह वाली जो भुजा होगी वह कितनी हो जाएगी, 5। क्यों? ट्रिपलेट वैल्यू, अगर 2, 3, 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 16 और 9 25, 5 का ही होता है। अब प्रश्न है कि इसमें मुझे चाहिए एक सर्कम सर्कल। सर्कल सर्कल वह होता है जो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऐसे छू के जाए, इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। यह होता है एक सर्कम सर्कल। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे सर्कम सर्कल बनाना है तो मुझे रेडियस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि रेडियस कहां होता है, इसी पर होता है, ध्यान रखना, इसी पर होता है रेडियस। और देखो अगर ये रेडियस का काम करता है, इसके इसी पर होता है, क्या है ये, हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस पर है, और ध्यान रखो हाइपोटेनस इसको इधर भी टच कर रहा है इधर, तो ये क्या हो गया, यहां से तुम आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आर क्या हो जाएगा, 5/2। ये बात बस समझ लेना। इसका मतलब ये भी समझ लो कि यहां से यहां तक की ये वाली भी दूरी कितनी है, 5/2, ये भी कितनी है, 5/2, और ये भी कितनी है, 5/2। तो हम यहां से इस सेंटर का पता कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में की पॉइंट बस इतना ही था। अब जो मर्जी है पूछ लेगा, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछा है, बताओ। अगर तुम्हें हमने आर की वैल्यू बता दी तो आप बता सकते हैं बच्चे कि हमें अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे पाई रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर 5/2। ऐसे करके हम यहाँ पे आर स्क्वायर पता कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चे इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा, कुछ कट जाएगा, कुछ पिट जाएगा। आंसर पाई में दिया है तो हम, मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर 22/7 रख के गलत ही कर दिया। फिर तो और आसान हो गया, जब पाई में दिया गया है तो पाई की जगह पे पाई रखना है, हटाना नहीं है। ये हो जाएगा 25/4 पाई, और 25 में 4 का भाग देना तो बहुत आसान है, 6.25 पाई। अब इसमें कौन सा आंसर है बताओ, इसमें आंसर है फोर्थ वाला, 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये देखो सर्कल का फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो उसको हम लोगों को यूज कर लेना था, लेकिन पहले ये तो पता चले कि रेडियस कितना होता है। तो ये ध्यान रखना रेडियस क्या होता है, यहां पर जो हाइपोटेनस होगा उसका आधा, और हाइपोटेनस क्या होता है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 12, 13। ऐसे करके हमने याद किया होगा ना, 8, 15, 17, 7, 24, 25। तो ये सब ट्रिपलेट वैल्यू याद कर लेना भाई। और अगर नहीं याद हो रहा है तो आप दोपहर की क्लास जरूर ज्वाइन करें, उसमें इस समय यही सब रटवाया भी जा रहा है। 3:30 से 5 तक की क्लास होती है, लगभग 1.25 घंटे की क्लास होती है, और आप उस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तपस्या एकेडमी चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध भी है। तो जो बच्चे अगर मैथ और बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हम ही पढ़ा रहे हैं, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे सारी वीडियो पड़ी है, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अभी एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, और आप सभी बच्चों का मैं एसके सिंह किरण लर्निंग प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन जरा आप बनाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके साथ में है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप सुनिए। यदि वर्ग की भुजा एक इकाई है, यदि वर्ग की भुजा एक इकाई है तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। वाह, अगर वर्ग की भुजा एक है तो क्षेत्रफल क्या है, उसकी भुजा के बराबर होता है। अब इसमें पूछा गया कि अगर ऐसा होता है तो ये कब होता है, ये प्रश्न पूछा गया है, और इसका जवाब आपको देना चाहिए। तो जरा आप इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए, जरा इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। हाँ सही बता रहे हैं आप, इस प्रश्न का सही जवाब है कि इसमें 4 ऑप्शन है, हमेशा होता है, अक्सर होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से क्या आप क्या कहना चाहेंगे भाई, इस प्रश्न का जवाब दें। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। दो लोगों ने आंसर दिया है अभी। चार ऑप्शन, इस प्रश्न का जवाब दो ताकि मुझे तुम्हारे प्रेजेंस का पता चले। तुम मौन हो जाते हो, ये इतिहास की क्लास नहीं है, मैथ की क्लास है। हम्म,
देखिए मेरे पास आरती कुमारी ने सबसे पहले आंसर दिया है, देन शैलेंद्र प्रजापति ने आंसर दिया है, देन विकास कुमार मैं देख पा रहा हूँ आंसर दिया है, और भी बच्चे लगातार आंसर टाइप कर रहे हैं। आइए बस इस बात को समझो यार, कुछ नहीं है, ये ना एक स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर की भुजा एक है, स्क्वायर की भुजा ए है, तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया कि इफ ए की वैल्यू जो है अगर वन कर दें तो एरिया क्या होगा, तो वन का स्क्वायर क्या होगा? वन ही तो होगा। अगर हम ए वन लेंगे तो हमेशा एरिया क्या आएगा? वन आएगा। तो ये हमेशा ही तो आएगा, यही तो कहा गया है। अगर भुजा एक हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? अगर भुजा एक होगा तो क्षेत्रफल भी तो वन का स्क्वायर वन ही आएगा। तो न्यूमेरिक वैल्यू बोथ आर द सेम ऑलवेज, करेक्ट, एकदम सही बता रहे हैं अंकुश, कीर्ति वर्मा एकदम सही बता रहे हैं, ये हमेशा सेम आएगा। और यहां तक आप इस बात को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 था, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस ट्रिक है? पाइथागोरस ट्रिपलेट वैल्यू का मतलब होता है शुरू के अगर हम दो का स्क्वायर करते हैं तो वह लास्ट के स्क्वायर जो शुरू का दो होगा, यानी जो दो छोटी वैल्यू होती हैं उनका अगर हम स्क्वायर करके उनको ऐड करते हैं तो वह तीसरे के बराबर हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कई सारी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, हमने बताया था कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रयास कर लेता हूँ, जैसे 3, 3, 4 और अगर इसका हम करेंगे तो 5 आता है। कैसे? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 5 का 25, 16 और 9 25। ऐसे मैंने बताया था 5, 12, इसका जवाब क्या आता है? 13 आता है। ऐसे मैंने बताया था 7, 24, इसका जवाब क्या आता है? 25 आता है। ऐसे मैंने बताया था 8, 15, इसका जवाब क्या आता है? 17। ये सारी जो वैल्यूज है ना, जो मैंने लिखी है ना, ये ट्रिपलेट वैल्यू है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट वैल्यूज। ट्रिपलेट वैल्यूज में क्या होता है कि अगर हम आपको दो दे दें, जैसे हमने कहा कि ये 3 है ना, ये 4 है ना, तो ये वाली चीज ऑटोमेटिक क्या होती है? 5, या इसके मल्टीपल में हो चला जाएगा। 3 की जगह पे 6 कर दूं, 4 की जगह पे 8 कर दूं, तो 5 की जगह पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें पूछा गया कि इसमें से कोई एक ट्रिपलेट वैल्यू है और कौन सा होगा। अब मुझे लगता है कि तुम तो नकलची बंदर हो, अब तक तो आंसर तुम्हारा आ भी गया होगा। हाँ, तुम सही देख रहे हो, और इसके आधार पर तुमने बताया कि 8, 15, 17। चलो मैं करके भी दिखा देता हूं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 को अगर 64 में जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 289, जो कि क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो हम तुरंत बता सकते हैं। और देख लो बाकी क्यों नहीं हुए, जैसे आप ये देख लो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हुआ? 13। कभी 25 का 5 का 25 होता तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 3 नहीं है, ये एक है, और बाकी ट्रिपलेट वैल्यू हमने कुछ यहाँ पे नोट कर दिए, इनको आप याद कर लेना है, लगातार आपके काम में आते हैं, और इस तरह से बच्चे आप इसको समझ सकते हैं। 8, 15, 17 आप सही बता रहे हैं, ये सही जवाब है। एक समकष्टभुज एवं सम द्वादश भुज में प्रत्येक अंतःकोण की माप का संगत अनुपात क्या होगा? आइए इस बात को मैं बताता हूं, अभी आपको बता भी रहा था और पुनः बताने का प्रयास करता हूं। देखो अगर हम समकष्टभुज की बात करते हैं, देख लो, तो क्या करोगे तुम? अभी बताया था फार्मूला, एन माइनस टू इंटू क्या होता है बोलो? 180 अपॉन क्या हो जाएगा? n। इससे हम इसके एंगल तक जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि तुम पहले इसका एंगल निकाल के बताओ कितना आएगा। तो आपने कहा सर n की वैल्यू यहां पर अगर 6 रखेंगे तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 180 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 6, भुजा 6 है तो हम 6 रख सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा कि अगर हमारे पास सम द्वादश भुज होगा, द्वादश का मतलब कितना होता है? द्वादश, ठीक है, मतलब 2, 10 से ज्यादा, द्वादश यानी 12। अगर हम n की वैल्यू, यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 12 है। यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो जब तुम यहां पर इस फार्मूले में यहां पर n की वैल्यू तुम 12 रखोगे तो क्या हो जाएगा? तो 12 में से 2 जाएगा 10 और इंटू 180 और नीचे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। ये इसके कोण आ गए, सिंगल सिंगल कोण आ गए। क्वेश्चन इसके रेशियो को पूछ रहा है तो बना देते हैं रेशियो। कैसे बनाएंगे भाई, जरा ध्यान से देखना। जो कॉमन इसको कटाओ, जैसे 180 से 180 कट जाएगा, और कुछ देख लो कटता है तो क्या कटा सकते हैं? 6 से 12 को कटा सकते हैं 2 बार में, और कटा लो इस 2 से 10 को कटा सकते हैं 5 बार में। क्या बचा हमारे पास? 4:5। तो हम बता सकते हैं कि जो उनके एंगल है उनका जो रेशियो होगा वह कैसा होगा, क्योंकि एंगल निकालना था, पर्टिकुलर एंगल निकालना था, तो हमने सारा एंगल निकाल करके 6 बुझाए तो 6 से भाग दिया है, 12 बुझाए तो 12 से भाग दिया है। फार्मूला एंगल निकालने का होता है n माइनस 2 इंटू 180, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह से करके बच्चे हमने इसका पूछा है, और इसका आंसर होगा ये फर्स्ट वाला, और इस करके हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। आई होप सो कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। लगातार आप सभी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी लोगों का, बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चुमेगी, कोई रोक नहीं सकता।
चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद, दो और प्रश्न बचे हैं आज की क्लास के, इसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं, 20√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाया गया है, घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। देखो मैं एक चीज कहता हूं, जब मेल्टिंग का केस होता है ना तो एक चीज इक्वल होता है वॉल्यूम, जब आप कोई चीज मेल्ट करके नई चीज बनाते हो तो इसका वॉल्यूम बराबर होता है, यानी पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब मैं ये कहता हूं, जरा ध्यान देखना, अगर आपने कहा कि यह इसका विकर्ण है और विकर्ण का फार्मूला मैं आपको साथ साथ बताता हूं, विकर्ण का फार्मूला होता है a√3, तो मैं अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं घन की बात करता हूं तो घन की जो भुजा होगी, घन की यहां पर आप देख सकते हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो घन की जो भुजा होगी यह भुजा मैं बता सकता हूं, और घन की भुजा यहां पर कितनी आ गई मेरे पास 26, घन की भुजा कितनी आ गई 26। दूसरा चीज अगर मैं बात करता हूं घनाभ की, किसकी बात कर रहा हूं घनाभ की, तो घनाभ की केस में देखिएगा, कह रहा है घन को पिघलाकर जब हम एक क्या बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं, तो घनाभ की यदि घनाभ की जो लंबाई है इसकी एक लंबाई तो घन की भुजा के बराबर है, और एक भुजा इसकी दिया है 13 दिया है, और एक इसमें जो है कहा है कि चौड़ाई 13 है, और कह रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर हो, घनाभ की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसमें पूछा इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो हम ऊंचाई को h मान लेते हैं। बस ये प्रश्न था, प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमारे सामने जब घन का विकर्ण देगा, विकर्ण का फार्मूला होता है a√3, ये घन के विकर्ण का फार्मूला होता है, तो हमने a की वैल्यू यानी भुजा 26 पता कर ली। जब भुजा 26 पता चल गया है तो हम फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है घनाभ की एक भुजा तो घन जितनी बड़ी है यानी 26 है, और इसकी चौड़ाई 13 दिया है, ऊंचाई हमें निकालनी थी। अब दोनों जगह का आयतन हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो बस इतना देखो, जब हम आयतन की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, आयतन की, तो ये ध्यान रखना घन में क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी घन के केस में 26 × 26 × 26 होगा। और इस बात को ध्यान रखना, यही सेम चीज इसको बता रही है कि इसी चीज को पिघला कर यहां पर बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 26 × 13 और इंटू क्या हो जाएगा h, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि हम दोनों के आयतन को निकाल सकते हैं, घनाभ का आयतन होता है lbh। सॉल्व करते हैं, क्या क्या होगा बच्चों, कुछ कटा लेते हैं, 26 से 26 कट जाएगा और 13 से भी 26 कट जाएगा, दो बार में h की वैल्यू आ जाएगी 26 × 2, 26 का डबल 25, 26 का डबल 52, 26 का डबल 52। कोई आंसर है इसमें 52, ये देखो ऑप्शन विकल्प ए, बात खत्म। तो जब भी कोई भी चीज मेल्ट की जाती है, एक आकृति को हम दूसरी आकृति में लेके जाते हैं, हम मेल्टिंग करने की बात करते हैं, तो वहां पर वॉल्यूम बराबर होता है, उनका आयतन बराबर होता है, उनके आयतन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, घन के आयतन का फार्मूला ए क्यूब होता है और घनाभ का होता है lbh, ऐसे करके हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो बच्चे आपने सही बताया, इसका जवाब 52 है, इसका विकल्प एक है। और अब आज का आखिरी प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब आप देंगे हमें, बड़ा प्यारा प्रश्न है और हम लोग लगातार एक एक चीज पर ठीक से बात करते हुए इस सीरीज में चल रहे हैं, यह क्लास NTPC और ग्रुप डी के लिए चल रही है। मैं एसके सिंह किरण लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोग लगातार इस क्लास का आनंद ले पा रहे हैं। क्लास का फीडबैक मुझे व्हाट्सअप करके जरूर बताते रहें, कैसा आपको क्लास लग रहा है इसका जरूर आप जो है हमें फीडबैक देते रहें ताकि हम उस पर और कार्रवाई कर सकें। आप देख सकते हैं यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 80% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो बच्चे एक बात समझ लो, आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितना वृद्धि किया, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x + y + xy/100। इस फार्मूले से आप इस प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं, यह 8% है यह 12% है, तो अब इसमें कोई फ्रैक्शन और परसेंटेज जो हम लोग चलते हैं एक फ्रैक्शन वाले तरीके से, जैसे कि हम कहते हैं 10% की वैल्यू 1/10 है, 5% की वैल्यू 1/20 है, उसकी जरूरत नहीं थी, आप इसी फार्मूले को ट्राई कर लेना, आराम से बन जाएगा। 8 + 12 + 8 × 12 और बटे में कितना हो जाएगा 100, 12 × 8 कितना होता है 20 और 12 × 8 कितना होता है 96 को अगर 6 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.96, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20.96, किस में आएगी परसेंटेज में आएगी। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बोलो, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, थर्ड वाला, थर्ड वाला ऑप्शन कितना है 20.96। यहां पर तुम इसका सलूशन देख सकते हो, फार्मूला ये आपके सामने है। अगर हम x एक्सिस में 8% y एक्सिस में 12% की वृद्धि करते हैं तो इसके आयतन में सॉरी इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में 20.96% की वैल्यू हो जाएगी। इस करके बच्चों आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्यारे बच्चों यह सीरीज चल रहा है NTPC ग्रुप डी के लिए, आप सभी बच्चे लगातार क्लास का आनंद ले रहे हैं और आप सभी बच्चों को
मैथ समझ में आ रहा है, और जिस बच्चे को भी दिक्कत है किसी तरह की, वो व्हाट्सएप पर लगातार हमसे जुड़े रहें। नंबर आपको हमने वीडियो के शुरू में दे रखा है, आप करते रहें तैयारी, देखते हैं हम लोगों से जितना भी सहयोग हो पाएगा हम लोग उसके लिए लगातार तत्पर हैं, और अपनी तरफ से हम बेहतर कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत करके जाइए, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। समय बहुत कम है, किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है। एग्जाम एक है, इसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर एग्जाम को नहीं देना है, पढ़ के जाके एग्जाम दे दो, बात खत्म। समझ में आ रहा है, जो होना होगा वही होता है, इस बात को ध्यान रखो। आप अपना बेस्ट करके आना, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दबाव लेके एग्जाम मत देना, कोई प्रेशर मत अपने ऊपर क्रिएट करना कि नहीं एग्जाम है अब जो है, एकदम प्रॉपर तरीके से आपकी जो इफिशियंसी है, आपकी जो क्षमता है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए, अपना मस्ती से एकदम पढ़िए और जाके एग्जाम दीजिए। जो होना होगा हो जाएगा, सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, बस प्रेशर मत लेना बच्चे, और अच्छे से एग्जाम दो, और एकदम बढ़िया से तुम लोगों की तैयारी ठीक चल रही है। हम लोग बहुत सही समय पर हमने भी बैच प्रारंभ कर दिया था, और जिस बच्चे को जहां भी कोई दिक्कत हो रही है वो लगातार व्हाट्सएप करके और अन्य माध्यम से संपर्क करके अपने क्वेश्चन को पूछता रहे, हम पूरी तरह से उसकी हेल्प कर रहे हैं। एनटीपीसी वालों को बच्चों को पहले प्रेफरेंस दे करके हम क्वेश्चन इस समय बता रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, हमसे जितनी भी मदद हो पाएगी हमेशा आपके साथ में हूं। तो यहीं पर अपने बड़े भाई, अपने मित्र, अपने शिक्षक एसके सिंह को अब अनुमति दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद, शुभ रात्रि बच्चों।